नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा एक्स वाई जेड में एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कौन सा है, बेसिक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यह सब्जेक्ट चलता है वह यूपी पॉलिटेक्निक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में बेसिक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को चलाया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं, इन सभी के बारे में हम समझते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि ये अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। एग्जाम के अलावा दोस्तों, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ओम का नियम बताइए और ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं, उन सभी के बारे में आप बताइए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे ओम का नियम क्या होता है, उसके बाद वो समझेंगे ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं ओम का नियम। तो दोस्तों, हटी देखते हैं, हम जानेंगे ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम दोस्तों, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, 1827 ईस्वी में ओम का नियम को बताया। कौन वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में ओम का नियम को बताया। इन्होंने क्या बताया दोस्तों, यदि कोई चालक तार है, सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में क्या बताया, यदि कोई चालक तार है, ये मान ले कोई चालक तार है, इसके दो सिरे हैं ए व वी। सन 1827 ईस्वी में सर जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम बताया। उन्होंने क्या बताया, यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार की भौतिक अवस्था, चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब लिखेंगे आप, भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था मतलब दोस्तों उस चालक तार की लंबाई, मोटाई व तापमान, तापमान को स्थिर किया जाए, ठीक है, स्थिर रखा जाए, ठीक है, या स्थिर या कांस्टेंट किया जाए, ठीक है। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में ओम का नियम को बताया। इन्होंने यह बताया, यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार की जो भौतिक अवस्था है, चालक तार की जो भौतिक अवस्था मतलब उसकी मोटाई, लंबाई, तापमान, इन सभी को स्थिर रखा जाए या परिवर्तित ना किया जाए, तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और चालक तार में बहने वाली धारा I, V और I का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। क्या बताया दोस्तों, सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में यह बताया कि यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार की भौतिक अवस्था, तो चालक तार की भौतिक अवस्था मतलब चालक तार की मोटाई हो गई, उसकी लंबाई हो गई और उस चालक तार का जो तापमान है उनको परिवर्तित ना किया जाए, एक फिक्स रखा जाए, तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम चालक तार का प्रतिरोध R कहा जाता है, इसी नियतांक को हम चालक तार का प्रतिरोध R कहा जाता है। तो दोस्तों, यह होता है ओम का नियम। ओम ने क्या बताया कि यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब उसकी मोटाई हो गई, लंबाई हो गई, तापमान हो गया, इन सभी को स्थिर किया जाए या परिवर्तित ना किया जाए, तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, वह नियत होता है, मतलब कि यह बताया गया कि जिस प्रकार हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे और उसी प्रकार से हमारा करंट बढ़ेगा, मतलब दोनों का ग्राफ सेम होगा और उनके बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है, ये क्या होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। ये चालक हो गया, ये वोल्टेज हो गया और एक करंट हो गया, मतलब ओम ने यह बताया कि कोई चालक तार है, चालक तार के सिरे पर विभवांतर V लगाते हैं, करंट I फ्लो होता है,
तो उनका जो अनुपात होता है नियत होता है, मतलब दोनों का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, और नियत जो होता है, नियतांक जो होता है वो एक चलाकार का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों उसके लिए कंडीशन है कि उस कंडीशन में जो तारा तार की जो लंबाई है, मोटाई है, तापमान है, यह क्या होगा, फिक्स होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए, तभी ओम का नियम काम करेगा और अन्यथा काम नहीं करेगा। और दोस्तों यदि कोई चालक तार है, यदि वह ओम का नियम को पालन करता है या ओम का नियम को फॉलो करता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो दोस्तों यह होता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है कि यदि कोई चालक तार है, चालक तार की भौतिक अवस्था, मोटाई, लंबाई, तापमान को स्थिर रखा जाए या परिवर्तित ना किया जाए, तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात जो होता है वह नियतांक होता है, और यही नियतांक जो होता है वह चालक तार का प्रतिरोध R कहलाता है। यह दोस्तों होता है ओम का नियम। अब दोस्तों हम समझते हैं ओम की नियम की सीमाएं क्या 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 होती है, उनको जान लेते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं ओम की नियम की सीमाएं। यहां पर दोस्तों हेडिंग करने वाले हैं ओम की नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं। दोस्तों अब दोस्तों हम जान लेते हैं ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं, ओम के नियम कहाँ पर लागू होता है, ओम का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट ये होगा कि दोस्तों ओम का जो नियम होता है वह सदैव लीनियर एलिमेंटों पर लागू होता है। लीनियर एलिमेंट मतलब दोस्तों कि वोल्टेज और करंट के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो उनसे सीधी रेखा प्राप्त होगी, ऐसे एलिमेंट को हम लीनियर एलिमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं ओम का नियम सदैव लीनियर एलिमेंट, लीनियर हिंदी क्या होगी, रेखी अवयव, रेखी अवयव पर लागू होता है, ठीक है। ओम की नियम की पहली सीमाएं क्या होती है कि जो ओम का नियम होता है वह सदैव रेखी एलिमेंटों पर लागू होता है। रेखी एलिमेंट का मतलब दोस्तों यदि हम वोल्टेज और करंट के बीच हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया और ये करंट I हो गया, ठीक है, इनके बीच क्या हम ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ऐसे एलिमेंटों को हम क्या कहते हैं, लीनियर एलिमेंट या रेखीय अवयव। और रेखीय अवयव दोस्तों क्या होता है, वह रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का लीनियर एलिमेंट है। अब दोस्तों जो दूसरा जो ओम के नियम की सीमाएं हैं उसको समझते हैं, ठीक है। दोस्तों जो दूसरी जो सीमाएं हैं ओम का नियम जो होता है वह नॉन लीनियर एलिमेंट मतलब अरेखीय अवयवों पर लागू नहीं होता, मतलब जिस जैसा कि डायोड हो गया, ठीक है, तो उसको लिखते हैं दोस्तों, यहां पर लिखेंगे क्या हम, ओम का नियम नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट अरेखीय अवयव, अरेखीय अवयवों पर लागू नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, जो ओम का नियम होता है वह नॉन लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर मतलब वोल्टेज और करंट के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो इसमें एक टेढ़ी या इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी, तो ऐसे अवयव को हम नॉन लीनियर एलिमेंटों पर लाग कहते हैं, या नॉन लीनियर एलिमेंट कहा जाता है, जैसा कि क्या हो गया, डायोड हो गया, ठीक है, डायोड क्या एक प्रकार का नॉन लीनियर एलिमेंट है। तो दोस्तों यहाँ दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि ओम का नियम नॉन एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट और रेखीय अवयव पर लागू नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, यह दूसरी ओम के नियम की सीमाएं होंगी। अब दोस्तों तीसरी सीमा समझते हैं, तीसरी सीमा क्या है, तीसरी दोस्तों सीमा यह होती है कि ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल
बाइलेटरल एलिमेंटो, मैं बाइलेटरल मतलब द्विदिशी अवयवों पर लागू होता है। मतलब यह बताया गया कि जो ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम बाइलेटरल एलिमेंट मतलब द्विदिशीय अवयव पर लागू होता है। द्विदिशीय मतलब दोस्तों ऐसा कि है रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आपको समझाते हैं हम कि द्विदिशीय अवयव क्या होता है, ठीक है। द्विदिशीय अवयव क्या होता है उसको जान लेते हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। द्विदिशीय मतलब दोस्तों कि जो करंट है वह दोनों दिशा से फ्लो हो सके, मतलब इधर से भी हो सके और इधर से भी हो सके। तो इस प्रकार के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, द्विदिशीय एलिमेंट कहा जाता है। मतलब यदि हम यहाँ पर प्लस देते हैं, यहाँ पर माइनस देते हैं, फिर भी करंट फ्लो होगी। यदि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस दे, इधर माइनस दे, तो फिर भी करंट यहाँ पर फ्लो होगी। तो ऐसे एलिमेंटों को हम क्या कहा जाता है, बाइलेटरल एलिमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या, ओम के नियम की सीमाएं में, ओम का नियम जो होता है वो बाइलेटरल एलिमेंटों पर लागू होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है उसको जानते हैं, ठीक है। ओम का नियम यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल एक दिशिक अवयवों पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, चौथा पॉइंट क्या दोस्तों, जो ओम का नियम है, ठीक है, जो ओम का नियम है वह क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा के अवयव पर लागू नहीं होता। जैसे दोस्तों डायोड होता है, डायोड मतलब दोस्तों यह केवल फॉरवर्ड बायस में क्या आता है, कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता या ब्लॉक करता है। दोस्तों ओम का यही जो चौथा नियम क्या है कि ओम का नियम जो होता है वह यूनिडायरेक्शन मतलब एक दिशा के अवयव पर लागू नहीं होता। यहाँ पर होते हैं जैसा कि डायोड, और डायोड क्या होता है, एक प्रकार का यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डायोड पर ओम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट होते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि ओम का नियम वैद्युत अवघट मतलब ऐसे भी HCl हो गया, H2SO4 हो गया पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि ओम का जो नियम होता है, जो वैद्युत अवघट होगा, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इन सभी पर ओम का नियम लागू नहीं होता। तो दोस्तों ये पांच पॉइंट है ओम के नियम की सीमाएं और ओम का नियम क्या होता है मैंने आपको बता दिया। दोस्तों तो एक बार आपको फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि ओम का नियम क्या होता है और ओम की नियम की सीमाएं क्या होती है, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में यह बताया कि यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार की जो भौतिक अवस्था, जैसे चालक तार की लंबाई हो गई, मोटाई हो गई और उसकी तापमान हो गया, इन सभी को परिवर्तित ना किया जाए, तो चालक तार के सिरे पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात क्या होता है, एक क्या होता है, नियतांक होता है। और वही चालक तार का जो नियतांक होता है वही चालक तार का प्रतिरोध R कहलाता है। तो दोस्तों ये होता है ओम का नियम। अब दोस्तों समझते हैं ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं। पहली सीमा दोस्तों यह है कि ओम का नियम सदैव लीनियर एलिमेंटों पर लागू होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओम का नियम क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंटों पर लागू नहीं होता, जैसा कि डायोड हो गया। तीसरा पॉइंट क्या दोस्तों, ओम का नियम हमेशा बाई डायरेक्शनल एलिमेंटों पर लागू होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोस्तों कि जो करंट जो होते दोनों दिशा में फ्लो सके, मतलब इधर से भी करंट फ्लो सके और इधर से भी फ्लो सके। तो ऐसे एलिमेंटों को हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या दोस्तों, जो ओम का नियम जो होता है वह यूनिडायरेक्शनल मतलब जैसा कि डायोड हो गया, यूनिडायरेक्शनल
एलिमेंटों पर लागू नहीं होता है। तो यूनिट डायरेक्शनल फ्लो मतलब दोस्तों ये केवल जो करंट है वो केवल एक ही दिशा में फ्लो हो, मतलब यदि करंट इधर फ्लो हो रहा है तो वो केवल करंट इसी दिशा में फ्लो होगा, इधर फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे प्रकार के एलिमेंटों को हम यूनिट डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या दोस्तों कि जो ओम का नियम होता है वह वैद्य अवघट जैसे कि H2, SO4, HCl इन सभी पर लागू नहीं होता है। सो फ्रेंड मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया। तो वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलते आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।